नमस्कार, बिहार लाइव 7 पे अभी मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि पल पल का अपडेट मैं आपको लेकर आपके सामने हाजिर रहूंगा। शहर के जहानाबाद शहर के लगातार विधि व्यवस्था जो चरमरा गई है, विधि व्यवस्था जो है वो पुलिस की कार्यशैली पे लोग सवाल खड़े कर रहे थे, इसको लेके अभी आपके सामने मैं एक बहुत बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूँ। और ये खबर यह है कि जहानाबाद SP दीपक रंजन ने नगर कोतवाल नगर थाना प्रभारी रवि भूषण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। लगातार शहर में बढ़ रही घटनाएं, छिनतई हो, मोटरसाइकिल लूट हो, या फिर जैसा कि पिछले 10-15 दिनों के अंदर जो है वो दो लोगों को गोली मारकर निजामुद्दीनपुर मोहल्ले में हत्या का मामला हो, इन सब तमाम घटनाओं को लेकर जो है वो जहानाबाद SP ने नगर थानेदार रवि भूषण को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और अब जो है वो राजेश कुमार के हाथों में नगर थाना प्रभारी का कमान सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि राजेश कुमार जो है वो जिस तरह से शहर में लगातार घटनाएं बढ़ रही है उस पर कैसे लगाम लगाते हैं, और ये जो दो घटनाएं जो लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर ये जो दो हत्याएं हुए हैं उसमें एक विभूति शर्मा सिपाही की हत्या अपराधियों ने कर दी थी, दूसरे धनतेरस के दिन जो है वो सुनील मस्ताना जो आयुर्वेद के डॉक्टर थे उनको भी गोली मारकर हत्या कर दी थी, हालांकि उनकी पत्नी जो है वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी जिनका इलाज पटना PMCH में चल रहा था, और पत्नी उनकी जो है वो अब घर पे आ गई हैं। SP लगातार उनकी पत्नी से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह थी, कैसे घटना घटी, वो तमाम बिंदुओं पे जो है वो SP खुद SI की टीम गठन करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक एक बिंदु का खुद जो है वो जांच कर रहे हैं, और उनका दावा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर इस केस का उद्भेदन कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल अब यह है कि शहर में जिस तरह की आपराधिक घटनाएँ बढ़ रही हैं, लोग दहशत में हैं, पर्व का त्यौहार है, वैसे में आम लोग जो हैं वो शहर के वो क्या अभी सोच रहे हैं, कैसे उनका पर्व छठ पर्व जो है, दीपावली तो जो है वो निकल गया बट छठ जो है वो किस तरह से मनाएंगे, कितना डर है, कितना सहमे हुए हैं लोग। इसी मामले में हमारे साथ जो है वो SC ST के प्रदेश राजद के प्रदेश महासचिव हैं गोपाल जी, ये बताएंगे कि आम आवाम के लोगों में पुलिस का क्या अभी सोच है और किस तरह से सोचते हैं। गोपाल जी, किस तरह से सोचते हैं आप अभी लोगों के लिए? अभी हम यही चाहेंगे जिला प्रशासन से कि जो शहर में गश्ती का जो है गलियां मोहल्ले में ज़्यादा से लोग हैं जो जाएं और आम लोगों को सुरक्षा प्रदान करें, और खासकर बिहार सरकार से हम मांग करते हैं कि जो उनके बिहार के मुखिया नीतीश जी का गृह विभाग है उनके जिम्मे, लेकिन जहानाबाद में जैसा जी वारदात खुले जो व्यापारी के साथ सुनील मस्ताने हो और विभूति शर्मा जी के साथ जो हत्या हुआ है अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह हमें खेद है कि शहर में जो सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और नहीं तो बिहार के मुखिया जो गोपालगंज कांड में जो शराब से हैं, जो मरे हैं जहरीली शराब से, उनका भी है जो सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति शासन लागू करें। गोपाल जी, सवाल यह है कि जहानाबाद पुलिस आखिर क्या कर रही है, लगातार शहर में छिनतई, लूट, मोटरसाइकिल चोरी, हत्या जैसी घटनाएं घट रही है, तो ऐसे में जहानाबाद नगर की पुलिस क्या कर रही है? नगर की पुलिस है जो जैसा आपका जो कल बयान आया था उसमें देखे थे कि आपने अच्छी शहर की व्यवस्था के लिए मांग किए थे, लेकिन आज का जो देखे SP साहब का, जिन्होंने उनके दुकान पर जाकर गहन छापेमारी की और तरह तरह के हम मांग करते हैं SP साहब से कि टोला मोहल्ला जहां संकीर्ण अवस्था है वहाँ भी पेट्रोलिंग व्यवस्था किया जाए, जहां जहां मैंने आपका हवाई अड्डा है, ये जो आपका ये शिवशंकर हॉल के पास है, बस स्टैंड है, एरोड्राम है, VT स्कूल है, वहां वहां भी जाकर घनी आबादी में गश्ती लगाने का प्रक्रिया तेजी करें, हम SP साहब से मांग करते हैं। हमारे साथ एक विनोद जी भी हैं जो यहीं जहानाबाद के हैं, राजद के हैं, नेता हैं और यहाँ के नागरिक हैं, इनका क्या सोच है जहानाबाद पुलिस के रवैया के प्रति, क्या इनका सोच है, किस तरह से विधि व्यवस्था जो गड़बड़ा गई है उसमें ये किस तरह से सोच रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। विनोद जी, क्या लगता है आपको शहर की विधि व्यवस्था को लेकर? पूर्व में जहानाबाद शहरों का शांति व्यवस्था सही से चल रहा था, लेकिन इधर 15 दिन के अंदर में एक सिपाही सब्जी बाज़ार में उनका हत्या कर दिया गया, और उसके बाद सुनील मस्ताना जी जो व्यवसायी वर्ग से आते थे
और डॉक्टरी पेशे से आयुर्वेद का डॉक्टर थे और उनका निर्मम हत्या कर दिया गया और दोनों को अभी तक पुलिस प्रशासन ने किसी को मुजरिम को नहीं पकड़ सके हैं कि कौन उनका हत्या किया। तो लगातार प्रशासन का ग्राफ गिर रहा है जहानाबाद शहरों में और हत्यारा का मनोबल ऊंचा हो रहा है। इससे हमारा जहानाबाद शहर के तमाम लोगों में दहशत का माहौल है। हम एसपी साहब से मांग करते हैं कि सभी चौक चौराहे पर और विधि व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए ताकि कि यहाँ का जनता सही से और अमन चैन पूर्वक जिंदगी जी सके और जो लोग जो हत्यारा है उसका उस पर उसको पकड़ा जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये जैसा कि देखें कि आम आवाम का ये आवाज़ है कि शहर का जो है वो क्राइम ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठना लाजमी है। लेकिन अब देखना यह है, जहानाबाद एसपी दीपक रंजन ने जो है वो एसआईटी का टीम का गठन किया है, लगातार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मामले में कितना जल्द से जल्द वो केस का उद्भेदन कर लेते हैं। लोग को हर कोई ये जानने का इच्छुक है कि आखिर ये जो घटनाएं दो घटनाएं घटी हैं, दो लोगों को गोली मार दी गई है, उसके पीछे कौन अपराधी हैं। इस मामले में अपडेट भी होगा, जो भी अपडेट होगा मैं आपके सामने बिहार लाइव 7 पे लेकर आपको पल पल का अपडेट बताते रहूँगा।